अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, खुश होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हदीस, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जन्नत पाने की आसान राही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सलाम कहना आम करो, खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, जब रात को लोग सो रहे हों तो नमाज़ अदा किया करो, तो तुम बड़ी आसानी से जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये हदीस इब्ने माजे शरीफ से ली हुई है। अल्लाह पाक हमें इन सारे अच्छे कामों पर अमल करने वाला बनाए, और अल्लाह पाक हम सबको तहज्जुद पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमाए हमेशा, और अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने वाला बनाए, अमीन सुम अमीन। तो बहुत दिनों बाद मैं आप सबके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अक्सर ऐसा ही होता है कि बहुत दिनों के बाद ही मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात नेट का मसला होता है, वाईफाई नहीं होता और वीडियो सही से अपलोड नहीं होती जल्दी से, और बाज़ औक़ात मसरूफियत होती है और कामों में, घर के कामों में बच्चे होते हैं, तो बस इस वजह से ये तो दुनियावी काम है ख़त्म ही नहीं होते। तो फिर भी फुर्सत निकाल के कोई ब्लॉग शेयर करने की हिम्मत कर लेती हूँ। तो बस अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे कि मैं हमेशा अच्छे ब्लॉग बनाऊँ और अच्छी अच्छी बातें आप सबके साथ मैं शेयर करूँ, ताकि अल्लाह पाक हम सब की नेकियाँ देख कर अल्लाह पाक हम सब की दुनिया आखरत संवारे, और अल्लाह पाक हम सबको ने कमाल करने वाला बनाए। शायद मैं ऐसी बात नहीं जानती जो आप लोग जानते हो, शायद आप लोग ऐसी बात नहीं जानते होंगे जो मैं जानती हूँ। तो इसी तरह से मकसद हदीस है मेरा कि अच्छी बातें फैलाना, और ये भी सदक़े जारिया है, और हदीस और आप सब के हदीस पाक का मफहूम है कि अगर कोई एक आयत ही क्यों ना हो पहुँचाओ, तो फिर हदीस आयतें और कोई सी भी छोटी यानी कि अच्छी बात हो तो ये फैलाना, सब में सबके साथ शेयर करना, ये क्या है, सदक़े जारिया है। तो अल्लाह पाक हम सबको ने कमाल करने वाला बनाए, और अल्लाह पाक हम सबको दुनिया आखरत में कामयाबियाँ और खुशियाँ नसीब अता फरमाएं, अमीन सुम अमीन। तो ये हम लोग जिद्दा जा रहे थे, तो कुछ दिन पहले की वीडियो है, अपलोड नहीं कर पाई उस टाइम, तो इस वजह से अभी अपलोड कर रही हूँ ताकि आप सबके साथ भी शेयर करूँ मैं छोटी सी वीडियो। तो ये जिद्दा जा रहे थे, फिर हम लोग यानी कि रात में निकले थे और वहाँ जिद्दा पहुँचे, रात में ही काम जब कंप्लीट हुआ तो फिर मेरे हस्बैंड का कुछ काम था वो कंप्लीट हो गया था, तो फिर उसके बाद अभी हम लोग यहीं अभी जा रहे थे सी व्यू की तरफ। तो जाते जाते सुबह हो गई हमें, और ये आप लोग देख सकते हो सी व्यू पे हम लोग गए, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। जब सी व्यू पे पहुँचे तो फिर यानी कि उस टाइम सूरज तुलू हो गया था, तो फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और यानी कि अलग सी एक खुली फिज़ा में हम लोग गए, और बहुत अच्छा यानी कि बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। तो मक्का जा रहे थे, वहाँ से मक्का भी हम लोग यानी इरादा कर रहे थे कि वहाँ भी जाएं, अच्छा है यानी कि तवाफ़ कर लेंगे, कोई मतलब इबादत कर लेंगे, नियत तो नहीं की थी यहाँ से उम्रे की, तो इस वजह से हम लोगों ने कहा वैसे तो जा सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे मदीने में काम था तो जल्दी आना पड़ा हमें। तो बस वहाँ पे जिद्दे का काम जल्दी से बस मुकम्मल करके सी व्यू पे ही सिर्फ गए वहाँ पे, और वहाँ से मतलब कुछ टाइम वहाँ पे एक दो घंटे गुजार के फिर दोबारा से हम लोग यानी मदीने की तरफ रवाना हुए। तो बस बच्चे भी ज़्यादा खुश हो रहे थे, तो इतना टाइम नहीं था कि ज़्यादा वीडियोस यानी बनाऊं या कुछ ज़्यादा शेयर करूं, बस इतना ही मैं शेयर कर पाई। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद यानी कि जब वहाँ से जिद्दा से आए, तो उसके बाद मैंने हरम की वीडियो आप सबके साथ शेयर की है, ये जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने कहा हरम की वीडियो भी आप सबके साथ, मैं मेरी कोशिश होती है कि हर एक ब्लॉग में आप सबके साथ लाइव हरम दिखाऊँ या हरम की वीडियो बना के आप सबके साथ में शेयर करूँ, ताकि आप सब हमेशा रोज़े मुबारक की ज़्यारत कर सकें। तो ये रही हरम की वीडियो भी आप सबके सामने है, अल्लाह पाक आप सबको भी खैर आफियत से नसीब फरमाए, और वो भी काबिल मकबूल हज उम्रे के साथ। तो आप लोग भी दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह पाक आप सबको नसीब फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको बार बार नसीब फरमाए, अमीन सुम अमीन। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और आप लोग को ये चावल दिख रहे होंगे, तो ये चावल एक्चुअली
चिकन वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी मैंने, और बहुत अर्जेंट बनाई थी, बहुत जल्दी में बनाई थी, क्योंकि हरम से आते हुए हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था वहाँ पे, तो फिर घर आके मैंने ये जल्दी से बिरयानी बनाई, और फिर रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि टाइम इतना नहीं था, इस वजह से मैंने कहा सिर्फ पिक्स ही लेके आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि इसमें सारी सब्ज़ियां हैं और स्पेगेटीज डाले हैं और बाकी चिकन डाला हुआ है, तो इस वजह से मैंने कहा कि पिक्स तो शेयर कर सकती हूँ। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जजाक अल्लाह, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।